बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और अभी हम जा रहे हैं नर्सरी फूलों के पौधे लेने के लिए, क्योंकि सर्दियों में ना बहुत सारा फूलों के पौधे आए हुए होते हैं। तो सैरिश का भी फ़ोन आ गया था कि अम्मी आप जब भी जाएँ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाइएगा, तो रास्ते से हमने उसको भी ले लिया है। और अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज बनी हुई थी और यहाँ लाइन से सारी नर्सरीज थी, और अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे कि अभी हम लोग कौन सी नर्सरी पे यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि हर नर्सरी पे जो है हमें बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे पौधे नज़र आ रहे थे। और इस वीडियो को आप स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से पौधे नज़र आने वाले हैं। अभी ये एक नर्सरी पे हम लोग यहाँ पे रुके हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह से चारों तरफ इतनी बड़ी बड़ी नर्सरीज थी कि दूर दूर तक बस फूल ही फूल नजर आ रहे थे, और इतना प्यारा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही प्यारा मंजर लग रहा था। और यहाँ सैरिश जो है ना वो फॉक्सटेल प्लांट ढूंढ रही थी, और हम लोग थोड़ा सा बस आगे गए थे कि हमें यहाँ पे ये फॉक्सटेल भी नजर आ गया था, और सैरिश इसको देख के तो बहुत ही खुश हो गई थी कि चलो जो मैं देखने आई थी जो वो मुझे मिल गया यहाँ पे। अभी जो 100 बोल रहे थे बेटा लगा लो, तो एक 100 रुपए का दो पत्तों से करो खरीदे हमारा पत्तों की। ऐसा लग रहा है उसको तो कीड़ा खा गया। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ऐसे लग रहा है ना इसको किसी कीड़े ने खा लिया है, लेकिन ये इसका डिजाइन है। ओके, माशाल्लाह से ये सुभान अल्लाह माशाल्लाह कुदरत के कितने प्यारे ये हसीन नज़ारे माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें जरा, एक से एक कलर, एक से एक फूल यहाँ नज़र आ रहा है। साइज़ देखें ना माशाल्लाह से कितना बड़ा है, साइज़ देखें, साइज़ कितने बड़े बड़े हैं इसके ना माशाल्लाह से। लेकिन ये यहीं होते हैं नर्सरी में, और घर लेके जाओ ना तो ये बस छोटे ही होते चले जाते हैं फिर। अभी इस नर्सरी पे मैं आई हूँ तो यहाँ मुझे ये पेटूनिया की वैरायटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी,
और ख़ास मैं इसीलिए यहाँ पे आई थी क्योंकि हमारे इलाके की नर्सरीज में ये फ्लावर अभी तक आए नहीं थे, और यहाँ मैं अभी इन लोगों से बार्गेनिंग कर रही हूँ तो ये रेट तो ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद इन्होंने मुझे 100 के ये 3 लगा दिए थे, तो अच्छे प्राइस में मुझे यहाँ पर ये मिल गए थे। जो है वो पौधे वगैरह देखने चले गए थे और मैं यहाँ पे बैठी हुई है, मुझे व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, मैं बस इसी की वीडियोज बनाई जा रही थी। यहाँ आ गए कैक्टस प्लांट्स देखने के लिए, ये बहुत ही मुझे क्यूट से कोई लग रहे थे, इसके अंदर ये कांटे कांटे से थे और ये मतलब हर बहुत सारे तरह तरह के ये पौधे थे, एक ही प्लांट है और उसी में इतने सारे कलर्स और डिज़ाइंस वगैरह हैं। और इसी तरह ये गेंदा, गेंदे के भी इतने सारे कलर, येलो ऑरेंज और डार्क ऑरेंज कलर के, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पाम के प्लांट भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे और हर तरह के पाम का जो है प्लांट यहाँ मौजूद था। और यहाँ पे कैमरा फिर मैंने आसमान की तरफ कर दिया था कि मुझे आसमान इतना अच्छा लग रहा था कि बस मैं बार बार आसमान की वीडियोस बनाए जा रही थी। और ये पता नहीं कौन सा प्लांट था, इसके ऐसे मल्टी मल्टी कलर के पत्ते थे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये क्रोटोन कहलाता है, ये क्रोटोन के पौधे थे और ये भी हम लोगों ने लिए थे यहाँ से, ये ग्रीन वाला है। हाँ ये ग्रीन वाला ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसके भी बहुत अच्छे पत्ते थे लंबे लंबे से। हाँ ये अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सैरिज भी खड़ी हुई थी और मैं भी देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें वैरायटी नज़र आ रही थी तो हम लोग तो बड़ा खुश हो गए थे कि चलो यहाँ पे तो हर तरह का हमें मिल गया और हमारी ये कि ज़ाया नहीं गया हमारा यहाँ आना। 346 मिनट्स लेटर। और अभी ये पौधे हम लोगों ने ख़रीद लिए थे, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे में नज़र आ रहे थे कि बस दिल चाह रहा था कि ये भी ले लो, और है ना बस हमारी गाड़ी में जगह नहीं थी तो बस अभी हम लोग बस अपने घर जा रहे हैं। हसीन मौसम हो रहा है, हसीन अच्छे बादल हो रहे हैं। उठाकर लेकर जाओगे कहाँ? ऊपर लेकर जाना है। अच्छा चलो आराम से चलना। और अभी हम सैरिश को छोड़ने उसके घर आ गए थे तो बस उसने हमें रोक लिया, कहने लगी कि बस अब आप लोग रुक जाएं और आपका खाना यहीं खा कर जाइएगा। हम लोगों ने बहुत मना किया, कहने लगी कि नहीं वैसे तो आप लोग आते नहीं, अब आए हैं मुझे छोड़ने के लिए तो आपका खाना यहीं खा कर जाइएगा। A few moments later. और आते ही बस वो किचन में लग गई थी, सबसे पहले उसने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद बस जो है बस उसने ये चिकन भी निकाल लिया था और कह रही थी कि मम्मी ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ। मैंने मना किया उसको कि नहीं बस तुम भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हो तो बस एक सालन बना लो, खाना बहुत मज़े का बनाया था इसने, चिकन कढ़ाई बनाई थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। बिरयानी ना पॉट पॉट में रख दो, ये ना ठंडी हो जाएगी। जी लाइव आप क्या कह रही थी? मैं बोल रही थी बिरयानी सॉरी ये कढ़ाई जो है ना बिल्कुल बाहर के जैसी लग रही है। अच्छी अच्छा जज़ाकअल्लाह शुक्रिया, देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी है माशाल्लाह। तारीफ कर दी अब उन्हें हमारे, बहुत कम तारीफ करते हैं ये खानों की। हाँ हमें पता है। और अब हम लोग अपने घर आ चुके हैं तो घर आने के बाद बस इन लोगों का मूड हो रहा था कॉफ़ी पीने का, तो इन लोगों ने बस भीष्मा से फरमाइश कर दी कि आज भीष्मा कॉफ़ी बनाकर पिलाएगी, तो भीष्मा बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है तो बस ये आ गई थी किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए। और ये सारी कॉफ़ी जो है आप ही ने हाथ से ही बीट की थी, कॉफ़ी का तो यही होता है कि जितनी अच्छी बीट होती है वो उतनी अच्छी बनती है,
थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है बस इसके अंदर ये वाली कॉफ़ी बनाने में, लेकिन फिर कॉफ़ी भी उतना ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और यहाँ पे हमारी कॉफ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाली है, और बस इसके अंदर मिल्क ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और हमारी कॉफ़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और कॉफ़ी बहुत ही मज़े की बनी थी, ये सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी। सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो और ज़्यादा मज़े की लग रही थी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।